आज मैं आपको आटे का चीला बनाना बताती हूँ, कैसे बनाया जाता है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और फटाफट बनके तैयार हो जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने 1 कप आटा लिया है जिससे हम चपाती बनाते हैं, ये वही वाला आटा है। आधा कप पिसी हुई चीनी, या आप वैसी सादा चीनी भी ले सकते हैं, और अगर आपको पीसनी है तो आप मिक्सी से पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दूध, दूध की जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5 छोटी इलायची जिसे मैंने पीस लिया है। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। देखिए मैंने बाउल लिया है, अब मैं इसमें इस आटे को डाल देती हूँ। शुगर पाउडर वो भी डाल देती हूँ, इलायची उसको भी डाल देती हूँ। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी, दूध में इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसको इस तरीके से मिक्स करती जाऊँगी जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। शुगर पाउडर डालने से आसानी रहती है कि हमें घोलने में दिक्कत नहीं आती, अगर हम चीनी डालेंगे तो घोलने में टाइम लगता है। देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है, इसके जितने भी लम्स हैं इसी तरीके से चला करके देखिए हमें खत्म करने हैं। अब बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। देखिए इसी तरीके से चलाते हुए मैंने चलाया, देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, मैं इसमें पानी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसमें पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ इसी तरीके से। देखिए हमें इस टाइप का बैटर चाहिए। अभी ये थोड़ा पतला है, इसके बाद मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, लेकिन हमें चीले के लिए थोड़ा पतला ही बैटर चाहिए होता है। देखिए मैंने 1 कप दूध डाला था और इसके बाद मैंने 1 कप पानी लिया, इसमें से मुझे थोड़ा ही पानी इसमें डालना पड़ा, इतना पानी बच गया है। अगर आपका बैटर पतला हो जाता है तो आप थोड़ा सा आटा और मिला लें, और अगर थिक होता है तो थोड़ा सा पानी या दूध जो भी आप मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। अब मैं इसको रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, तो बैटर फूल के सेट हो जाएगा। देखिए आधा घंटा हो गया है, ये बैटर भी सेट हो गया है। देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया है, हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। और मैंने ये इसको सेकने के लिए मैंने ये देसी घी लिया है, इस जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब मैं आपको सेक के बताती हूँ कैसे सेकना है। देखिए मैंने गैस पर ये पैन रख दिया है, हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मैं हमें मीडियम पैन चाहिए ये गर्म। अब मैं इस पर ये घी लगा देती हूँ जिससे ये इस पर से उतर जाएगा आसानी से। अब मैं इस बैटर को इसके ऊपर डाल देती हूँ। देखिए ये मैं इसको इस तरीके से डाल देती हूँ और इसको इस तरीके से मैं फैला देती हूँ। आप अपने हिसाब से साइज़ बना लें और थिकनेस भी आप अपने हिसाब से रख लें इसकी, जितना मोटा आपको बनाना है और जितना बड़ा बनाना है आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। और गैस को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है क्योंकि इसको स्लो गैस पे ही सेकना है। देखिए नीचे से सिक गया ये, अब मैं इसको पलट देती हूँ, ऊपर से कलर भी इसका चेंज हो गया है। देखिए इस टाइप से हमें दोनों तरफ से सेकना है इसको, और ये साइड से मैं इस तरीके से घी डाल देती हूँ। और इसको स्लो गैस पे ही सेकना है, तो मैंने स्लो ही कर रखी है गैस, और आपको इसको हल्के हल्के से दबा करके
इसे सेक लें। आपको जैसा सेकना है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा सेकना है तो आप इसी तरीके से सेक लें, अगर हल्का सेकना है तो आप हल्का सेक लें इसको। देखिए ये सिक गया है दोनों तरफ से। देखिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा सिका है। अब मैं दूसरा भी आपको सेक के बताती हूँ। इसमें मैं इस तरीके से ये बैटर डाल दूंगी। हमें बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो फिर पलटने में दिक्कत आती है। अब मैं साइड से थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर बनाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं या जब भी आपकी इच्छा है तब आप इसको बना के खा सकते हैं। बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं इसको। अब मैं चेक कर लेती हूँ, देखिए सिक गया है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ और ऊपर से भी रंग चेंज हो जाता है तो पता लग जाता है कि ये सिक गया है। देखिए इसको भी मैं इसी तरीके से दबाते हुए सेक लूँगी। बहुत हल्का हल्का सा ही दबाना है आपको, तेज नहीं दबाना, हल्के हाथों से दबाना है। रुक जाओ, देखिए ये सिक गया है, इधर से भी ये अब सिक गया है। ये अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरीके से, देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं ये। आप इस तरीके से मैं और भी बना लूँगी। देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। अगर ये आपको पसंद आते हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार।